हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। माय नेम इज प्रतीक शर्मा। तुम्हारे यहाँ पर जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन आईसीटी एरा, ये सब्जेक्ट जो चल रहा था, इन शॉर्ट जो साइबर लॉ कहते हैं इसको, तो इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जी, आज के टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट्स इन साइबर लॉ। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पर इसको बताएं, डेवलपमेंट्स इन साइबर लॉ, ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक का नाम है। आसान है जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है कि भाई क्या क्या डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही है या हो चुकी है किसके अंदर, साइबर लॉ के अंदर। सो द डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है जी, तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि दो दिन के अंदर या एक घंटे के अंदर हो जाती है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होगी। सो साइबर लॉज रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द यूज ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो साइबर लॉज है किस तरीके का लीगल फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं, जिसके अंदर जो गवर्न करता है, जो कि कंट्रोल करता है यूज ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हमारा साइबर लॉ की कुछ इस तरीके की हम डेफिनेशन यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट, सम की माइलस्टोन्स आर, अब भाई कुछ माइलस्टोन्स अगर हम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से देखें कि भाई स्टार्टिंग से हमने क्या क्या माइलस्टोन अचीव करे हैं साइबर वर्ल्ड के अंदर या साइबर लॉ के अंदर। अर्ली लॉज एंड रेगुलेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो इन अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट गवर्नमेंट बिगन टू एस्टेब्लिश लॉज एंड रेगुलेशन टू गवर्न सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर सच एज साइबर क्राइम, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा। तो भाई स्टार्टिंग के अंदर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट जो है स्टार्ट होने लगा, गवर्नमेंट ने जो है लॉज और रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए किस चीज के ऊपर, ऑनलाइन बिहेवियर सच एज साइबर क्राइम, प्राइवेसी से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड या हम कह लें कि प्राइवेसी से रिलेटेड, इस तरीके से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे अवेयर होना शुरू हो गई थी, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हुए थे कंट्री के अंदर। देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिगन टू डेवलप ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड एस्टेब्लिश कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल। आसान हो गया जी, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स भी जो यहाँ पर होने शुरू हो गए थे, तो गवर्नमेंट और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उन दोनों के बीच में जो है ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स जो है होने शुरू हो चुके थे टू कॉम्बैट दी साइबर क्राइम, क्योंकि भाई इन्हें पता था एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर टेक्नोलॉजी जो है अगर आ रही है साइबर वर्ल्ड के अंदर, अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो भैया इसका मिसयूज भी शुरू हो जाएगा, तो मिसयूज को ऑलरेडी टैकल करने के लिए इनके बीच में ट्रीटीज होनी शुरू हो गई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के बीच में। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट है फोकस ऑन डेवलपिंग लॉज एंड रेगुलेशन टू एड्रेस साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके के सिस्टम जो है बनाने शुरू ऑलरेडी कर दिए थे कि भाई साइबर सिक्योरिटी और थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उनको पता था कि भैया मिसयूज जो है यहाँ पर होगा ही होगा इसका, तो उन्होंने पहले से तैयार बैठे थे वो और अपना सिस्टम यहाँ पर जनरेट कर लिया था। देन वी हैव फोर्थ, इमर्जिंग इश्यूज एंड डिबेट्स। तो भैया एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, न्यू लीगल इश्यूज एंड डिबेट्स आर अराइजिंग सच एज रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल जी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी साइबर लॉ के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर, यहाँ पर नए नए इशूज जो है वो निकल के आते रह रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका क्या है, और जैसे बीच में क्रिप्टो करेंसी है, इसका क्या करना है जी, उस चक्कर में वर्ल्ड जैसे ऐप जो है बिल्कुल ही बंद हो गए थे। चलो वो एक कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। AI के ऊपर, द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनलाइन स्पीच एंड एक्सप्रेशन, गवर्नेंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम, ये सारे जो है एक तरीके के चैलेंजेस कह सकते हैं हम, जो गवर्नमेंट के सामने आ रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ मैं, जो उसको टैकल कर रही है। नेक्स्ट वी हैव रीजनल एंड नेशनल डिफरेंसेस। तो साइबर लॉज वेरी अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन देयर लीगल ट्रेडिशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कल्चरल नॉर्म। तो भैया सब कुछ अलग अलग है, उनको भी मैनेज करना है गवर्नमेंट ने, ईजी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज या टेक कंपनीज कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द साइबर लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है जी, तो प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट अकेला जो है यहाँ पर नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पर वो प्रॉपरली टेक्नोलॉजी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज आर इमर्जिंग दैट रिक्वायर इनोवेटिव एंड अडेप्टिव अप्रोचेस टू साइबर लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है जी, तो नए नए हमारे पास जो है यहाँ पर चैलेंजेस आते जा रहे हैं और साथ में जो है अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, चैलेंजेस को कॉम्बैट करो, सिंपल है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट लगी पड़ी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमारे ये टॉपिक खत्म हो गया और ये जो यहाँ पर खत्म होती है, नेक्स्ट जो है हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कभी और बनाता हूँ उस वीडियो को, आपको तो सीरीज में मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। साइबर लॉ मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिमिनल जैसे सिस्टम था ना, इंटरनेशनल करके, हाँ वो वाला सब्जेक्ट उसको पकड़ेंगे फिर। चलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रदीप साइनिंग आउट, बाय बाय एंड या टेक केयर।